अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो कल कहां तक पढ़ लिया था हम लोगों ने? सर ये वो हो गया था हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। मैंने रिएक्ट जीएस का हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम करा दिया था, ठीक है ना? जी सर। कैसे एप्लीकेशन बनाई जाती है मैंने बता दिया था तुम लोगों को। और हम लोगों ने कहां तक कर लिया था? हम लोगों ने कर लिया था यहाँ तक कर लिया था, कमेंट्स तक देख लिया था हम लोगों ने कि कैसे कमेंट्स करते हैं, ठीक है ना? जी सर। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक रिएक्ट फ्रैगमेंट। अब रिएक्ट फ्रैगमेंट क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो हम लोग सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन रन करा लेते हैं। स्टार्ट वगैरह तो करानी आ गई ना एप्लीकेशन? जी सर। हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी सर। क्या दिक्कत आ रही थी? वो जब मैंने आपने पूरा क्या कहते हैं RCC करके टैब दबाया था। हाँ। index.html की index.js वाली फाइल थी। हाँ ये रही index.js वाली फाइल। हाँ तो इसमें मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया था लेकिन हो नहीं रहा था प्रिंट ब्राउजर पर। ब्राउजर पर कैसे प्रिंट हो जाएगा? तुमने कंपोनेंट बना लिया होगा लेकिन उस कंपोनेंट को डॉम में नहीं रखा होगा। कंपोनेंट बनाने वर्ष ही काम नहीं चलता है, आपको कंपोनेंट रखना भी पड़ता है डॉम में, तो उसी के लिए तो रिएक्ट डॉम यूज करते हैं। ठीक है सर, मैं दिखाता हूँ कहाँ से रखा जाता है। पहले ब्राउजर ओपन हो जाए। तुमने ये करा हुआ बता दी, ठीक है ना? जी सर, कंपोनेंट जी सर। को कंपोनेंट को रखा नहीं है डॉम में, IMRD ये करना, तो तुम्हारे पास रिएक्ट डॉम के लिए एक शॉर्ट एंड कोड आ जाएगा। उसके बाद जो रिएक्ट डॉम है जी सर, उसके अंदर एक रेंडर मेथड होता है। वो रेंडर मेथड दो पैरामीटर को, तीन पैरामीटर रिक्वायर करता है। एक तो सबसे पहले वो कंपोनेंट जो आपको रेंडर मेथड के थ्रू इसमें डॉम में मतलब तुम्हारे ब्राउजर में शो करवाना है, तो मेरे को जो शो करवाना है वो यही मेथड है इंडेक्स। इसका नाम दे देते हैं ऐप, तुम इसका नाम ऐप कुछ भी दे सकते हो, जो जो मर्जी का है, ठीक है ना? लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट होता है ये मेन कंपोनेंट होता है क्योंकि index.js, ठीक है ना? ओके। अब यहाँ पर इस कंपोनेंट के अंदर हमें बाकी कंपोनेंट रखने, तो उसके रखने के लिए मैं लिख देता हूँ ऐप। और रखने के लिए हमें एक जगह चाहिए, ये जितने भी कंपोनेंट है सारे कहाँ रेंडर होंगे? index.html में, ये रूट फाइल, रूट के अंदर हम रखेंगे जितने भी। तो जो आप document.getElementById लेते थे, document.getElementById और आईडी में ये रूट लिख दो, ठीक है? अब फाइल को सेव करो, आपका जो ब्राउजर आ रहा है इसमें ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आ जाएगा। ये आगे हेलो वर्ल्ड। अब इसमें इतने कोड में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ पहले। सर ये वाला जो आपने रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर लिखा है ना, लास्ट सबसे लास्ट वाली लाइन, इसमें जो ये लेस देन ग्रेटर देन ऐप के फॉरवर्ड स्लैश लगाया ये नहीं समझ में आया, बाकी सब लाइन समझ में आ रही है। अरे ये कंपोनेंट का सिंटैक्स है ये। कभी भी जैसे तुम फंक्शन लिखते हो, फंक्शन को फंक्शन लिख करके लिखते हो, फंक्शन ऐप करके या फिर फंक्शन ABC करके लिखते हो, उसी तरीके से कभी भी कंपोनेंट को अगर आप लिखोगे रिएक्ट की एप्लीकेशन में तो वो इसी तरीके से लिखोगे, ठीक है? जो आपने क्लास होता है डेव, अब तुम एक बार बताओ डेव को तुम इस तरीके से लिखते हो, क्यों लिखते हो? क्योंकि ये इसका सिंटैक्स इस तरीके से लिखा जाएगा, उसी तरीके से रिएक्ट के जितने भी कंपोनेंट है वो इस तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है ना? फॉरवर्ड स्लैश लगा कर, ठीक है सर? हाँ सर, जो रूट लिखा है ये बाय डिफॉल्ट रूट है या आपने index.html में जो रूट है इसके अंदर रखी जाएगी आपकी एप्लीकेशन? अगर आपने यहाँ पर अपना नाम दे दिया या फिर कुछ भी दे दिया तो document.getElementById यहाँ पर यही लिखना पड़ेगा, लेकिन इस लाइन के बगैर आपका कंपोनेंट ब्राउजर के अंदर रेंडर होकर के नहीं आएगा। बिकॉज रिएक्ट डॉम क्या करता है, रिएक्ट डॉम क्या करता है, आपके ब्राउजर में जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है HTML का, उसमें अगर आपको ये रिएक्ट का एलिमेंट रखना है तो रिएक्ट डॉम की मदद से वो रखा जाए,
ठीक है, मैंने कहा था कि इसमें तीन पैरामीटर होते हैं, पहला पैरामीटर होता है आपका कंपोनेंट, दूसरा पैरामीटर होता है आप जहां पर उस कंपोनेंट को रख रहे हो, और तीसरा पैरामीटर होता है वो कॉलबैक फंक्शन, जो कि ये बताता है कि आपको कंपोनेंट रख गया है, मतलब जब आपका कंपोनेंट रेंडर होकर के माउंट हो जाएगा ब्राउजर में तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक उसका आ जाएगा, मतलब हाँ एक आपके पास नोटिफिकेशन कह सकते हो या फिर कह सकते हो एक तरीके मैसेज आ जाएगा। हाँ जैसे मैंने लिया फंक्शन, ठीक है ना, और यहाँ पर करा दिया फंक्शन, और मैंने यहाँ पर कर दिया कंसोल लॉग कंपोनेंट रेंडर, अब फाइल को सेव कर लो। सेव करके अगर ब्राउजर में देखोगे तो हेलो वर्ल्ड तो लिखा आएगा ही आएगा, लेकिन साथ ही साथ वो चीज भी लिखी आएगी, वो उसमें आ जाएगी इसमें कंसोल में। हाँ कंपोनेंट रेंडर, ठीक तो ये ठीक तीन ठीक पैरामीटर रेंडर मेथड जो होता है रिएक्ट डॉम के अंदर वो तीन पैरामीटर लेता है, पहला वो कंपोनेंट जिसे आप रखना है, जहां पर रखना है वो जगह, और जब आपका कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा उसके बाद आपको जो मैसेज चाहिए या जो भी प्रिंट करवाना, जो भी फंक्शनैलिटी करवानी है कॉलबैक के थ्रू वो आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब जी सर, अब रिएक्ट फ्रेगमेंट करते हैं। देखो मैंने कल एक चीज बताई थी कि हम दो कंसेक्यूटिव मतलब एक तरीके से आप दो एलिमेंट को एक साथ नहीं लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर डेव है जावास्क्रिप्ट में, हाँ, और डेव है यहाँ पर एच वन हो कर दिया मैं एच वन हेलो एच वन, तो आप ये चीज नहीं कर सकते, एक के बाद एक आप एलिमेंट नहीं रख सकते, आप इनको इनको रैप करके ही रखना पड़ेगा, बिकॉज ये जो रेंडर मेथड होता है ये एक जो आपका जेएसएक्स होता है उसे रिएक्ट डॉट एलिमेंट में क्रिएट एलिमेंट में के थ्रू ब्राउजर में रेंडर करवाता है, तो उस तरीके से आपके दो फंक्शन यहाँ पर, ये एक तरीके की फंक्शन कॉल है, तो एक दो तरीके की फंक्शन कॉल हो जाएंगे डेव के अंदर, तो हम इस तरीके से नहीं करते, हम इसको एक कंपोनेंट के अंदर रख देते हैं डेव के अंदर, ठीक है ना, और इसके अंदर मैंने लिखा एच वन हेलो वर्ल्ड, अब इसके अंदर आप जितना भी कोड लिखना चाहो लॉरम वगैरह करके जो भी लिखना चाहो जो भी लिख सकते हो, ठीक है ना, अभी हम जरा देखें तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड और लॉरम आ रहा है, ठीक है ना जी सर। तो आप कभी भी रिएक्ट का कोई भी एलिमेंट बना रहे हो तो उसमें ऐसा नहीं करना कि आपने पहले टैग लिखा उसी के नीचे आपने दूसरा टैग लिखना शुरू कर, ऐसे नहीं कर, ठीक है, इसी चीज को। अब यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये डेव हमें फालतू में लगाना पड़ रहा है, इसका कोई काम तो है नहीं, हमें काम तो इन दोनों से था ना, इस कंटेंट से था ना, हमें काम तो इस कंटेंट से था, इस वाले एलिमेंट से तो नहीं है, तो इसीलिए इसी को सॉल्व करने के लिए रिएक्ट ने रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट नाम से क्या कहते हैं एक फंक्शनलिटी लाई आफ्टर वर्जन 16.2.0, ठीक है ना, रिएक्ट के इस वर्जन के बाद इस वर्जन से आपकी रिएक्ट फ्रेगमेंट नाम से एक फंक्शनलिटी आ गई। रिएक्ट फ्रेगमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपका ये जितना भी एलिमेंट है ये एलिमेंट हट जाएगा, कैसे हट जाएगा, यहाँ पर आप लिख दो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, ठीक है, अब आप जब ये करोगे सेव करा मैंने, जब मैं यहाँ पर एलिमेंट में जाऊंगा और एलिमेंट में बॉडी में जा करके रूट के अंदर देखूंगा तो आपको एच वन और पी दिख रहा है, ठीक है ना जी सर। इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले हमने ये देखा जब मैं रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट का यूज नहीं कर रहा था, डिव का यूज कर रहा था, तो तुम देखना यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक डिव ये तो आ ही रहा है, साथ ही साथ एक ये डिव भी आ रहा है, तो ये एक एक्स्ट्रा डिव लग रहा था, इसी चीज को एनिमिनेट करने के लिए हमने रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट यूज करते हैं। जी सर, समझ में आ गया? जी सर, सेव कर लिया। Yes, रिएक्ट रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट को आप एक तरीके से और लिख सकते हो, इसे हटा लो यहाँ से, ठीक है, और इस तरीके से भी आप रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट को लिख सकते हो, सेव कर लेते हैं, यहाँ पर देखना ये अभी भी आउटपुट आ रहा है आपका, और एक डिव एक्स्ट्रा नहीं आ रहा, आप यहाँ पर देख लो हेलो रिएक्ट, सेव करते हैं, यहाँ पर देखा हमने हेलो रिएक्ट आ गया, क्लियर, ये रिएक्ट रिएक्ट फ्रेगमेंट होता है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, रिएक्ट फ्रेगमेंट लेट अस अ ग्रुप अ लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा नोड्स टू द डॉम, मैंने कहा था कि डॉम में हम जितना भी एलिमेंट क्रिएट करते हैं या एट्रीब्यूट या फिर हम कमेंट्स वगैरह क्रिएट करते हैं तो वो उसके लिए हर एक नोड
उस हर एक एलिमेंट या कमेंट्स के लिए एक नोड असाइन कर दिया थे डॉम। तो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट की मदद से हम लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन कंपोनेंट, मतलब अलग अलग तरीके के HTML कंपोनेंट को कह सकते हो या फिर रिएक्ट के चिल्ड्रन कंपोनेंट को कह सकते हो, ऐड कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा नोड को ऐड करे। जैसे अभी मैंने डिव ऐड किया था ना, तो वहां पर वो एक एक्स्ट्रा नोड क्रिएट हो रही थी। रिएक्ट फ्रेगमेंट हेल्प्स इन रिटर्निंग मल्टीपल एलिमेंट। रिएक्ट फ्रेगमेंट की मदद से हम मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न कर सकते हैं। अभी तुमने देखा था कि मैंने यहाँ पर जो फ्रेगमेंट लगा हुआ है, इसकी मदद से हम मल्टीपल HTML एलिमेंट्स को रिटर्न कर रहे हैं रेंडर मेथड को या ऐप कंपोनेंट को, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर चल रही है। द अदर अल्टरनेटिव इज यूज इज टू यूज अ HTML एलिमेंट लाइक div टू रैप देम। रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट का एक अदर जो दूसरा अल्टरनेटिव है वो है div, जो कि हम पहले कर रहे थे। हम यहाँ पर div लगा रहे थे और div लगाने के बाद हम इस तरीके से अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स को इसमें क्रिएट कर रहे थे, मल्टीपल एलिमेंट को, ठीक है ना। जी सर, एक बात याद रखना, इस कंपोनेंट के अंदर जितने भी फंक्शन कॉल होंगे, जितनी भी स्टेट बनेंगी, प्रॉप बनेंगी, वो इसी कंपोनेंट के अंदर बनेंगी, और इस कंपोनेंट से तुम दूसरे कंपोनेंट को वो पास कर सकते हो। जस्ट लाइक ये तो खैर पेरेंट कंपोनेंट है, इसके अंदर बाकी कंपोनेंट्स आकर के हम इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप जैसे चाइल्ड कंपोनेंट बना रहे हो और भी सारे जो इसके अंदर आकर के लगे, मान लो कि ये आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन है, ठीक है ना। मान लो कि इस कंपोनेंट के अंदर आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन आ रही है, तो जो नेव बार है, जो आपका फुटर है, वो सारे के सारे इसमें आएंगे, पर नेव बार अपना अलग फंक्शनलिटी कर रहा होगा, फुटर अपना अलग फंक्शनलिटी कर रहा होगा, उसमें जो लिंक्स होंगी वो अपने हिसाब से काम कर रही होंगी, पर वो सारी की सारी इसी के अंदर आकर के रेंडर होगी, ठीक है ना। जी सर, अब हम रिएक्ट फ्रेगमेंट को यूज क्यों करते हैं? इट मेक्स एग्जीक्यूशन ऑफ कोड फास्टर एज कम्पेयर टू द डिव टेक। इसकी मदद से हमारा कोड का एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है डिव टेक के कम्पेयर में, और ये एक लेस मेमोरी लेता है। अब नई नोड क्रिएट नहीं होगी, जिस वजह से ये मेमोरी भी कम लेगा, ठीक है ना। अब आती है सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपोनेंट। रिएक्ट जेएस की जितनी भी एप्लीकेशन होती है वो कंपोनेंट एप्लीकेशन, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पर काम करती है रिएक्ट जेएस, और जितने भी एप्लीकेशन के अंदर हम चीज बनाते हैं वो कंपोनेंट से ही रिलेटेड बनाते हैं या कंपोनेंट बेस्ड ही बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक एप्लीकेशन में आप यूज करते हो नेविगेशन बार, तो नेविगेशन बार एक कंपोनेंट है, आपका होटल एक कंपोनेंट है, साइड बार एक कंपोनेंट है, आपका क्राउसल एक कंपोनेंट है, ठीक है ना। आपका इवन लाइक का बटन भी होगा, वो भी कंपोनेंट आप चाहो तो बना सकते हो। जितना आप ज्यादा छोटा कोड को तोड़ोगे उतना ही ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, मतलब अच्छी तरीके से आपकी एप्लीकेशन वर्क करेगी। अ कंपोनेंट इज अ स्मॉल रियूजेबल चंक ऑफ कोड। कंपोनेंट्स आर द कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिएक्ट ऐप। जो आपके कंपोनेंट होते हैं रिएक्ट जेएस में, ठीक है ना, उसे कह सकते हो छोटा सा कोड, ठीक है ना। ओके सर, बेसिकली जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो फंक्शन होते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो ऐप है, ऐप कंपोनेंट है, ये क्या है, ये एक फंक्शन है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि जब हम ES5 में देखते थे सिंटैक्स ऑफ क्लास ऐप को करके, तो ये क्या होता था, एक फंक्शन ही होता था, फंक्शन कंस्ट्रक्टर। जी सर, होता था ना फंक्शन कंस्ट्रक्टर होता था ना, क्लास ऐप करके जो भी हम ये एक्सटेंड और कंपोनेंट करते हैं। तो ये तो यहाँ, ये अगर ES5 के अकॉर्डिंग देखें प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो क्लास ऐप लिखी हुई है ये क्या है, ये आपका एक फंक्शन, मतलब ES5 के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, नहीं ES5 के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, या फिर हम ब्राउजर जो रीड कर रहा है उसके सिंटैक्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्लास ऐप ना हो करके ये फंक्शन है, ठीक है ना, अगर हम ब्राउजर के अकॉर्डिंग देखें। अ रिएक्ट ऐप कैन बी सीन एज अ कंपोनेंट ट्री हैविंग वन रूट कंपोनेंट ऐप एंड देन मैनी नेस्टेड चाइल्ड कंपोनेंट। देखो, एक रिएक्ट की जो एप्लीकेशन होती है उसमें हम एक मेन रूट कंपोनेंट लेते हैं। यहाँ पर मैंने ऐप लिखा है, तुम उसे कोई भी ले सकते हो। ऐप क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐप ही बनाया है, तुम इसे कोई भी नाम दे सकते हो, और इसी ऐप के अंदर आपके बाकी चाइल्ड कंपोनेंट्स नेस्ट किए जाए। कैसे नेस्ट हो गए, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे हम इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट रखते हैं। कंपोनेंट लेट्स यू स्प्लिट द UI इनटू इंडिपेंडेंट रियूजेबल पीसेस एंड थिंक अबाउट Each pieces in isolation. Components को हम जितने भी कंपोनेंट हम बनाएंगे UI के लिए, अपनी एप्लीकेशन की UI के लिए, उसे हम रियूज भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और वो इंडिपेंडेंटली हम कहीं, मतलब एक तरीके से रियूज का मतलब एक कंपोनेंट बनाएंगे उसे अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं, ये नहीं है हमें बार बार कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक ही टाइम पे हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है सर। हाँ, जैसे मैंने चार कार्ड बनाए, उन सबकी शेप वगैरह एक ही जैसी थी, लेकिन उनमें डेटा अलग अलग था,
लेकिन शेप्स वगैरह तो एक ही जैसी थी, तो हम एक ही बार कार्ड बनाएंगे और उन्हें एक कार्ड, उस एक कार्ड को हम चार बार यूज कर लेंगे, बस उसमें डेटा अलग कर देंगे। डेटा भी हम किस तरीके से भेजते हैं कंपोनेंट में ये मैं बता दूंगा। कंपोनेंट्स आर लाइक जावास्क्रिप्ट फंक्शन, कंपोनेंट जितने भी होते हैं वो जावास्क्रिप्ट के फंक्शन की तरह होता है, अभी मैंने बताया। दे एक्सेप्ट आर्बिट्री इनपुट कॉल्ड प्रॉप्स, इनके अंदर हम जो डेटा होता है वो प्रॉप्स, हमारे पास एक चीज होती है जैसे समझ लो अब HTML में आप एट्रीब्यूट ले देते, ठीक है ना, HTML में आप एट्रीब्यूट ले देते, उसी तरीके से रिएक्ट में प्रॉप्स होती है, प्रॉप्स होती है और एक स्टेट होती है। अभी अभी प्रॉप्स और स्टेट का आपके पास कंसेप्ट आएगा, पर पहले मैं बता दूं इन कंपोनेंट, ये जितने भी कंपोनेंट होते हैं, आप जो जितने भी कंपोनेंट बनाओगे इनमें डेटा भेजने के लिए आप प्रॉप्स और स्टेट का यूज करोगे, ठीक है। ठीक है, यहां से पढ़ते हैं। दे एक्सेप्ट आर्बिट्री इनपुट कॉल्ड प्रॉप एंड नीड टू रिटर्न रेंडर सम JSX कोड विच डिस्क्राइब्स व्हाट शुड अपीयर ऑन द स्क्रीन। देखो ये जो कंपोनेंट होते हैं ये प्रॉप से डेटा लेते हैं, ठीक है ना, और डेटा लेने के बाद आपको कुछ JSX रिटर्न करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर डेटा पास कर दिया इसमें, मान लो चलो डेटा को छोड़ दे, प्रॉप्स का कंसेप्ट बाद में लेते हैं। ये जो कंपोनेंट होते हैं ये कुछ डेटा लेते हैं, जैसे ये जो है ये डेटा है इस कंपोनेंट का, और ये कंपोनेंट जब हम एक्सेस करेंगे डॉम में तो यही चीज, ये जो डेटा है ये रेंडर हो जाएगा हमारी स्क्रीन, ठीक है। और ये जो है आपका, ये क्या है, ये आपका JSX है, JavaScript syntax in XML format। याद रखना, अभी तक आप HTML में क्या करते थे, आपने BR लिखा और इस तरीके से लिख दिया, लेकिन अगर आप React में लिखोगे तो ये इनकरेक्ट है, आपको फॉरवर्ड स्लैश लगा करके इसे क्लोज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये XML फॉर्मेट है एक तरीके से। XML में आप क्या करते थे, जितने भी टैग आपने ओपन किया उन्हें क्लोज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज एरर आ जाएगी। When creating a React component, the component's name must start with an uppercase letter. आप जब भी React के component को create करो, आप mostly मैं आपको बोलूँगा कि आप component का नाम capital letters में लिखो। Actually capital letters में क्यों लिखवाया जाता है? क्योंकि जैसे ये है, ये क्या है small letter, ये क्या है ये small में, ये क्या है ये small में, आप table हो गए, तो वो भी एक small में, तो ये mashup हो जाएंगे, ठीक है ना, एक तरीके का मैच क्रिएट हो जाएगा आपके लिए कि भाई इसके आपके लिए पहचानना मुश्किल हो जाएगा एप्लीकेशन में कि आपका रिएक्ट का कंपोनेंट कौन सा है और आपका HTML का कंपोनेंट कौन सा है। इसलिए आप, मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप जितने भी HTML सॉरी रिएक्ट के कंपोनेंट है वो कैपिटल अपर केस लेटर से ही स्टार्ट करो, ठीक है जी सर। रिएक्ट रीड्स कंपोनेंट स्टार्टिंग विद लोअर केस लेटर एज डॉम टैग। रिएक्ट के जितने रिएक्ट, जैसे अगर आपने यहाँ पर इंडेक्स लिख दिया तो रिएक्ट क्या करेगा, जब भी आप इसे एक्सेस करोगे तो रिएक्ट से एक HTML एलिमेंट के तरह एक्सेस मतलब एक्ट करने लग जाएगा, ठीक है ना, रिएक्ट करेगा, समझेगा कि ये एक HTML का एलिमेंट है। इसलिए जितने भी रिएक्ट के कंपोनेंट बनाए जाते हैं वो कैपिटल लेटर से ही या कह सकते हो अपर केस लेटर से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल div रिप्रेजेंट एन HTML टैग बट app रिप्रेजेंट कंपोनेंट रिक्वायर टू बी इन स्कोप। जैसे यहाँ पर ये कह रहा ना कि आपके div टैग जो है वो एक HTML टैग को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं पर आपका जो ऐप है वो एक तरीके का रिएक्ट कंपोनेंट को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन दोनों में फर्क क्या है, ये लोअर केस लेटर से स्टार्ट हो रहा है और ये अपर केस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर है जी सर। जी सर। टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, रिएक्ट की एप्लीकेशन में चाहे वो रिएक्ट की हो चाहे वो रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन में, दो ही तरीके कंपोनेंट होते हैं, फंक्शन कंपोनेंट और एक क्लास कंपोनेंट, ठीक है जी सर। फंक्शनल कंपोनेंट को आप स्टेट लेस कंपोनेंट कहते हो और क्लास कंपोनेंट को आप स्टेट फुल कंपोनेंट कहते हो, ठीक है। अब स्टेट लेस और स्टेट फुल का कंसेप्ट क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, पर पहले ये समझ लो हम फंक्शन कंपोनेंट को बनाते कैसे हैं और हम उसका एडवांटेज क्या होता है, ठीक है ना। अब फंक्शनल कंपोनेंट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिएक्ट जेएस कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट एक तरीके का बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाला रिएक्ट जेएस का कंपोनेंट है। We can create functional component in React by writing a JavaScript function. जैसे हम JavaScript के pure function लिखते थे ना या arrow function लिखते हो, उसी तरीके से functional component React की application के बनाए जाते हैं। Functional component do not manage state due to which these type of component are called stateless component. Functional components के अंदर हम states use नहीं करते हैं। State एक तरीके का object होता है। जैसे कि तुम क्या करते थे, document.getElementById.nrhtml करके कर देते थे उसे change। तो वैसे ही अगर रिएक्ट के कंपोनेंट में आपको कुछ चेंज करना है
तो आप स्टेट्स का यूज करते हो, और फंक्शनल कंपोनेंट में आप स्टेट्स यूज नहीं कर सकते, इसीलिए ना स्टेटलेस कंपोनेंट कहा जाता है। ठीक है जी सर। देयर इज नो रेंडर मेथड इन फंक्शनल कंपोनेंट। जैसे कि अभी आपने देखा क्लास कंपोनेंट के अंदर आपका रेंडर मेथड था, लेकिन फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर आपका कोई भी रेंडर मेथड नहीं होता। ठीक है जी सर। वी कैन नॉट यूज लाइफ साइकिल मेथड इन साइड ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट। लाइफ साइकिल मेथड क्या होते हैं अभी मैं बता दूंगा, पर इतना जान लो कि जब हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन ब्राउजर में रेंडर होती है तो जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनके अंदर एक लाइफ साइकिल मेथड होते हैं, कुछ लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। ठीक है ना। लाइफ साइकिल मेथड अभी बस इतना समझ लो, जैसे तुम हो, तुम्हारी लाइफ, जैसे तुम पहले बच्चे थे, फिर तुम थोड़े से बड़े हुए, फिर आगे जाकर के एज्ड हो जाओगे। ठीक है ना जी सर। तो इस तरीके से रिएक्ट के कंपोनेंट्स की भी अपनी एक तरीके की लाइफ साइकिल होती है। ठीक है ना। तो उसी तरीके से तो वो लाइफ साइकिल के कुछ मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को हम फंक्शन कंपोनेंट के अंदर नहीं यूज करते। ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है। अब यहाँ पर सिंटैक्स लिखा हुआ फंक्शन एप प्रॉप्स और रिएक्ट रिटर्न रिएक्ट एलिमेंट। अब ये कैसे बनेगा मैं दिखाता हूँ, देखना। कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे आर एफ सी लिखना। ठीक है ना। रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, ये आपका फंक्शनल कंपोनेंट आ गया इसको डिफॉल्ट फंक्शन इंडेक्स। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पहले सिंपल करते फिर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है ना। तो इसे क्या करो, सिंपल फंक्शन एप पैरेंथेसिस रिटर्न हेलो एच वन हेलो फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है। अब आपको इस कंपोनेंट को कहां पर रखना है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में। उसके लिए क्या करेंगे, आई एम आर डी, और इधर क्या करना है, इधर रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर मेथड लिया, और उसके अंदर आप एप कंपोनेंट लो और उसे जहां रखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी और रूट में रखना है। बस सिंपल सी बात है, ये लो रख दिया, वो आ गया, लो फंक्शनल कंपोनेंट आ रहा है जी सर। ठीक है। हेडिंग में आ रहा है, अब दिख रहा तुम्हें, हेलो फंक्शनल कंपोनेंट जी सर। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं, यूज कर दे रहा है, एक्सपोर्ट यूज नहीं करेंगे, फंक्शनल कंपोनेंट यूज करते थे, एक्सपोर्ट नहीं यूज करेंगे। एक्सपोर्ट मैंने अभी यूज किया ही नहीं है इसे भाई, अभी मेरे को इस एप्लीकेशन को, इस कंपोनेंट को कहीं एक्सपोर्ट कराना है, अभी नहीं कराना, जब कराना होगा तब कर दूंगा मैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जो भी लगाया था ना क्लास वाले, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मान लो कि ये चाइल्ड कंपोनेंट होता जी, है ना। अभी ये कहाँ पे है, इंडेक्स डॉट जेएस में। अगर मैं कोई और फाइल बनाता और उस फाइल में एक नया कंपोनेंट बनाता, उससे अगर मुझे इस फाइल में लाना होता तो मैं यूज कर लेता, लेकिन इसमें मल्टीपल फाइल होंगी। ठीक है। हाँ, आप लगाना, अभी इसमें लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना चाहो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक सर। क्लियर जी सर। अब कहाँ गया ये, तो आपका क्या हो गया, ये आपका फंक्शनल कंपोनेंट हो गया। फंक्शनल कंपोनेंट के बाद आपका क्लास कंपोनेंट आता है। ठीक है ना। क्लास कंपोनेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। वी कैन यूज जावास्क्रिप्ट ES6 क्लासेस टू क्रिएट क्लास बेस्ड कंपोनेंट। आप एक चीज और मैं बताना भूल गया, आप फंक्शनल कंपोनेंट को इस तरीके से भी बना सकते हो, एंड ऐप ठीक है, और इसमें वो कर दिया H1 हेलो फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है। फंक्शनल कंपोनेंट यूजिंग एरो फंक्शन, याद रखना है, मैंने एक चीज नहीं बताई थी तुम लोगों, एरो फंक्शन को हम फैट एरो फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है ना। ये रिफ्रेश करते हैं। ओके सर। एरर आ गई, ऐप नथिंग वाज रिटर्न। एक मिनट, गलती हो गई। आ गया, हेलो फंक्शनल कंपोनेंट यूजिंग एरो फंक्शन, हमने रिटर्न नहीं लगाया था। ठीक है। क्लियर। ठीक, समझ में आई। अब आ गया क्लास कंपोनेंट। वी कैन यूज जावास्क्रिप्ट ES6 क्लासेस टू क्रिएट क्लास बेस्ड कंपोनेंट इन रिएक्ट व्हिच एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्लास। मैंने अभी कल भी बताया था कि हम रिएक्ट में क्लास कंपोनेंट जब बनाते हैं, ठीक है ना जी सर,
क्लास कंपोनेंट जब हम रिएक्ट में बनाते हैं तो उसे हम एक पेरेंट क्लास होती है रिएक्ट में, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, उस क्लास से फेच करते हैं, उस क्लास से उसकी जितनी भी फंक्शनलिटी होती है वो लेते हैं। क्लास कंपोनेंट आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेटफुल कंपोनेंट बिकॉज दे कैन हैव स्टेट विद देम। क्लास कंपोनेंट को हम स्टेटफुल कंपोनेंट भी कहते हैं बिकॉज इनके अंदर हम स्टेट्स बना सकते हैं। अनलाइक फंक्शन कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट की तरह, मतलब फंक्शन कंपोनेंट को छोड़ करके वो कह सकते हो फंक्शन, वी कैन पास डेटा फ्रॉम वन क्लास टू अनदर, टू अदर क्लास कंपोनेंट। हम एक क्लास कंपोनेंट से दूसरे क्लास कंपोनेंट में डेटा पास कर सकते हैं, जबकि हम फंक्शन कंपोनेंट में ऐसा नहीं कर सकते। इट मस्ट हैव रेंडर मेथड जो कि आपको HTML रिटर्न करता है, मतलब एक तरीके से इसके अंदर रेंडर मेथड होता है क्लास कंपोनेंट के अंदर जो कि आपके JSX को React डॉट एलिमेंट में कन्वर्ट कर देता है, React डॉट एलिमेंट, ठीक है। आप क्लास कंपोनेंट को कैसे बनाते हैं, डिलीट करो, ठीक, ये आपका क्लास कंपोनेंट आ गया इसमें, जी सर, ऐप यहां पर लिया, हेलो क्लास कंपोनेंट, और यहां पर रिएक्ट डॉट रेंडर, रेंडर ऐप, ऐप क्रोज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, ठीक है जी सर, क्लियर हो गया, आ गया समझ, समझ में आ गया, फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, ठीक है जी सर, इसको हटा देते जरा, फंक्शनल कम जी सर, वैसे रिफ्रेश कर, हेलो क्लास कंपोनेंट चल रहा है अभी, मैंने क्या कहा था मेन फाइल के अंदर आप एक्सपोर्ट करो चाहे ना करो कोई दिक्कत नहीं है, पर कर देना एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके, ठीक है ना जी सर, लेकिन आपको बाकी के जो, बाकी के जो चाइल्ड कंपोनेंट है उनमें करना ही पड़ेगा। अब जैसे मैंने एक चीज इसमें बताई थी कि ये रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्लास, ये कहां गई इसमें, ये तो कहीं आया नहीं, ये इसलिए नहीं आया बिकॉज हमने यहाँ पर कंपोनेंट को रिएक्ट के साथ यहीं पर लगा दिया। अगर आप कंपोनेंट को यहाँ पर नहीं लगाते हो, इम्पोर्ट खाली रिएक्ट करते हो, तो आपको रिएक्ट कराना पड़ेगा। अभी देखना मैं सेव करके जब रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, कह रहा ना कंपोनेंट इज नॉट डिफाइंड, कह रहा ना कंपोनेंट इज नॉट डिफाइंड, रिएक्ट पैकेज के अंदर से आप कंपोनेंट को पैच कर रहे हो, पर वहां पर उस समय हमने रिएक्ट पैकेज के साथ ही कंपोनेंट को पैच कर लेगा साथ। अभी हम रिफ्रेश करेंगे ठीक ना, आप चल जाएगा, हेलो क्लास कंपोनेंट चल गया, इस टॉपिक में दिक्कत अभी नहीं, नहीं है। कंपोनेंट को हम एरो फंक्शन के थ्रू भी बना सकते हैं ना, हाँ एरो फंक्शन के थ्रू भी बना सकते हैं, देखो प्योर फंक्शन के थ्रू यानी कि फंक्शन कीवर्ड के थ्रू, एरो फंक्शन के थ्रू यानी कि एरो लगा करके जो फंक्शन बनता है उसके थ्रू, दोनों तरीके से आप बना सकते हो फंक्शनल कंपोनेंट को, पर दोनों में एक डिफरेंस होता है, जो प्योर फंक्शन होते हैं उसमें दिस लगाना पड़ेगा आपको, दिस की बाइंडिंग सेट नहीं होती है, ठीक है ना, कहीं कहीं जगह पे आपको दिस लगाना पड़ेगा दिस की बाइंडिंग सेट नहीं होती है, लेकिन एरो फंक्शन में दिस की बाइंडिंग सेट होती है, ठीक है ओके, इसलिए मोस्टली एरो फंक्शन का यूज करना, ओके सर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब मैं एक फंक्शन कंपोनेंट बना, यहीं पर लिख देते हैं इसे फंक्शन ऐप, और इसके बाद रिटर्न कराता हूं, चाइल्ड एक मान लो मैंने चाइल्ड नाम से कंपोनेंट बना दिया, ठीक है। अब इस कंपोनेंट को मुझे ऐप कंपोनेंट के अंदर यूज करना, अभी मैं फंक्शन कंपोनेंट ही बता रहा हूँ, फिर मैं क्लास कंपोनेंट के साथ भी करके दिखाऊंगा। अब जैसे मान लो मेरे को इसे इसे यूज करना है एक ऐप कंपोनेंट के अंदर, तो मैं यहाँ पे लूंगा फंक्शन ऐप पैरेंथेसिस
जब किसी भी कंपोनेंट को यूज किया जाता है किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर, तो उसे कैसे लिखा जाएगा? इस पर समझ गई बात? सेव किया हमने, यहाँ पर देखा, उसे रिफ्रेश करता हूँ। हेलो चाइल्ड कंपोनेंट, आपके पास आ रहा है? जी सर। सर इस तरह से इसे कॉल कराएंगे? हाँ, इस तरीके से इसे कॉल नहीं कराएंगे। जैसे मैं अभी सिर्फ और सिर्फ ये चीज बता रहा हूँ कि ये आपका मेल फाइल थी, इसमें आपका ऐप कंपोनेंट रखा हुआ था। अब आपने दूसरी फाइल बनाई, एक हेडर की बनाई, एक फुटर की बनाई, और एक किसी की बनाई, किसी की बनाई, साइड बार वगैरह किसी भी चीज की बनाई। तो उन सारी फाइल्स को आप अपने SRC फोल्डर के अंदर ही रखोगे, कंपोनेंट नाम से एक फोल्डर और बना करके उसके अंदर ही रखोगे, ठीक है ना? जी सर। और उन कंपोनेंट्स को इसी तरीके से आप अपने कंपोनेंट के अंदर रखोगे। जैसे अभी तो ये सिंपल था, अभी मैं तुम्हें कंपोनेंट नाम से एक फोल्डर बना करके उसमें से कंपोनेंट उठा करके इसमें लगा के देखता हूँ, ठीक है? पहले हम ये करके देखते हैं, उसके बाद अब मैं चाइल्ड कंपोनेंट, सॉरी क्लास कंपोनेंट में करके दिखाता हूँ। फंक्शनल कंपोनेंट में तो ये था, अब क्लास कंपोनेंट में कैसे होगा? क्लास कंपोनेंट में आपको क्लास के लिए शॉर्ट हैंड का चलो अभी देखते हैं। क्लास क्लास एंड यहाँ पर लगा देते हैं कंपोनेंट। अब जैसे मैंने क्लास ऐप ले ली, ठीक है ना, मेन क्लास ले ली, ये मेन था कंपोनेंट आपका। इसके अंदर अब आपको चाइल्ड कंपोनेंट रखना है, तो उसके लिए कैसे रखोगे? एक बनाओ कंपोनेंट क्लास, किसी को कॉपी कर लेता है, क्लास ऐप की जगह यहाँ पर उसको चाइल्ड, और इस चाइल्ड में डेटा क्या डाल देना है? H1 हेलो क्लास चाइल्ड कॉम्पो नेट, और इसको उठा करके इसमें कैसे रखना है? बस सिंपल तो जितने भी रिएक्ट के कंपोनेंट बनेंगे वो इसी तरीके से एक्सेस होंगे, याद रखना। अभी देखा, अभी रिफ्रेश किया थे, हेलो क्लास चाइल्ड कंपोनेंट आ रहा है जी सर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखना, मैंने कोई भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ही लगाया है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मैंने लगाया ही नहीं है, ठीक है? पर आप इस चीज को कर लो कि आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगाना ही लगाना है, ठीक सर। और उसी कंपोनेंट में लगाना है जिसको आपको एक्सपोर्ट करना है। जैसे यहाँ पर चाइल्ड को एक्सपोर्ट नहीं करना था मुझे, इसको एक्सपोर्ट करना था, क्योंकि ये मेन कंपोनेंट है। और ये मेन कंपोनेंट है, क्यों मेन कंपोनेंट है ये? क्योंकि मैं इसे ही अपनी एप्लीकेशन, अपनी एप्लीकेशन के रूट जो हमारा था index.html का, इसी में रख के चेक करा रहा हूँ कॉल, ठीक है ना? तो जितने भी आप एलिमेंट लगाओगे जो ऐप में रखे जाएंगे वही रेंडर होकर के ब्राउजर में आएंगे। जैसे मैंने एक चाइल्ड बना लिया, और एक और क्रिएट कर लेते हैं सब चाइल्ड, सब चाइल्ड, ठीक है ना? इसे मैंने यूज ही नहीं किया है, ठीक है, और इसे एक्सपोर्ट भी नहीं कराया, इसे एक्सपोर्ट भी नहीं कराया। तुम देखना ये नहीं होगा, ये नहीं होगा क्लास चाइल्ड कंपोनेंट, क्योंकि क्या है कि ये हुआ नहीं हो। और आप दो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगा नहीं सकते, ये आपको भी पता है, दो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं लगा सकते ना एक फाइल में, ये मैंने बताया था जब हम ES6 पढ़ रहे थे। जी सर, जी सर। और इसे भी अगर यूज करना है तो इसे यूज करना, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे? सब चाइल्ड, पर एक बात याद रखना, इसे भी रैप करना पड़ेगा, फ्रैगमेंट लगा के, फ्रैगमेंट लगा, ठीक है? ठीक है सर, क्लियर? जी सर, आ गया। हेलो क्लास चाइल्ड कंपोनेंट, दो आ गए जी। ठीक, अब इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ, अब हम किसी एक अलग अलग फाइल जो बनाएंगे उनमें से हमें कंपोनेंट उठाना है, वो कैसे करेंगे? यहाँ पर इसमें SRC में जाओ, एक नया फोल्डर बनाओ और इसमें रख दो कंपोनेंट्स। इसके अंदर आप एक बना लो फुटर का कंपोनेंट, फुटर डॉट जेएस,
ठीक है ना। अभी मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जे एस सिंटेक्स के साथ काम करना सिखा रहा हूँ, मैं जे एस एक्स सिंटेक्स के साथ भी काम करना सिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम जे एस में काम करना सीख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है हेडर डॉट जेएस, जेएस ये जरूरी नहीं है कि आप जो फाइल ले रहे हो वही कंपोनेंट का नाम हो, पर ये एक अच्छा वो देता है आपको कि आपको पता चल जाता है, रिप्रेजेंट हो जाता है कि इस फुटर को कंपोनेंट के अंदर आपका फुटर नाम से ही हो रहा हुआ। मैं यही बताऊंगा, ये जरूरी नहीं है कि आप फुटर के अंदर फुटर नाम का ही कंपोनेंट बनाओ, हेडर के अंदर हेडर नाम का ही कंपोनेंट बनाओ, बट एक ये गुड प्रैक्टिस होती है कि फाइल के नेम के साथ ही उसको कंपोनेंट बनाया जाए, बिकॉज इससे आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है कि हाँ हमारे अंदर, हमारे इस फाइल के अंदर इसी नाम से कंपोनेंट रखा होगा, ठीक है। हमें फुटर कंपोनेंट ले लिया मैंने, फुटर कंपोनेंट के बाद इस फुटर कंपोनेंट में हम अपना एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है ना। उसी फंक्शनल कंपोनेंट याद रखना, एप्लीकेशन जो आपके क्लास कंपोनेंट होते हैं वो रेंडर होने में टाइम ज्यादा लगाते हैं, और जो फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं वो कम लगाते हैं, क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट लाइट वेट होते हैं। पहले इनके बारे में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स हम फाइल में से लेते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट्स आर इजियर टू राइट एंड फास्टर इन परफॉर्मेंस देन दैट ऑफ क्लास कंपोनेंट। आपके फंक्शनल कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट से ज्यादा फास्टर परफॉर्मेंस में होते हैं, मतलब ये जल्दी रेंडर हो जाते हैं। क्लास बेस्ड कंपोनेंट आर कॉम्प्लेक्स एंड स्लोअर इन परफॉर्मेंस देन दैट ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट। जैसा भी मैंने बताया, वी कैन नॉट मैनेज स्टेट्स विद फंक्शनल कंपोनेंट। अब ये तो प्रॉब्लम है, हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर स्टेट्स को यूज नहीं कर सकते, और डेटा स्टेट से ही चेंज होता है, जो कंपोनेंट के अंदर का डेटा डायनेमिक स्टेट की मदद से ही बनता है। तो इसी वजह से हुक्स आया, हुक्स की मदद से हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर अपनी स्टेट्स को यूज कर सकते हैं। हुक्स की मदद से रिएक्ट में कुछ बिल्ट इन कंपोनेंट्स होते हैं, बिल्ट इन हुक्स होते हैं, जिन्हें एक को कहा जाता है यूज स्टेट और एक को कहा जाता है यूज इफेक्ट, ठीक है ना। दो हुक्स होते हैं जिनकी मदद से हम स्टेट्स को मैनेज करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। देयर इज नो रेंडर मेथड यूज इन फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर आपको कोई रेंडर मेथड नहीं होता, इट मस्ट हैव रेंडर मेथड रिटर्निंग HTML UI। इसके क्लास कंपोनेंट के अंदर आपके पास रेंडर मेथड होता है, जो कि आपका JSX को HTML में कन्वर्ट करता है, और आपकी ऐप की जो UI होती है, मतलब आपके जो कंपोनेंट होता है उसे रेंडर करके डॉम में दिखाता है। वी कैन नॉट यूज लाइफ साइकिल मेथड विद फंक्शनल कंपोनेंट। हम फंक्शनल कंपोनेंट में लाइफ साइकिल मेथड यूज नहीं कर सकते, लेकिन क्लास कंपोनेंट में हम लाइफ साइकिल मेथड को यूज कर सकते हैं। अभी लाइफ साइकिल मेथड का जो आपका टॉपिक है वो बाद में आएगा, पहले हम यही कर रहे हैं, ठीक है ना। फंक्शनल कंपोनेंट को यूज करने के बेनिफिट, आपको कम कोड लिखना पड़ता है, सिंपलिसिटी होती है आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन में, टेस्टिंग जब आप करते हो तो सिंपलर होते हैं, मतलब फंक्शनल कंपोनेंट आपके टेस्ट करने में ज्यादा ईजी होते हैं। नो दिस बाइंडिंग, मैंने कहा था ना, दिस की बाइंडिंग एरो फंक्शन में, हाँ दिस की बाइंडिंग एरो फंक्शन में नहीं होती, स्टेटलेस होते हैं, ठीक है ना, स्टेट मैनेज नहीं करनी पड़ती है, लेकिन हम रिएक्ट हुक से लगा करके स्टेट फुल कंपोनेंट बना सकते हैं अपने फंक्शनल कंपोनेंट को। इजियर टू एक्सट्रैक्ट स्मॉल कंपोनेंट, इन्हें आसानी से स्मॉल कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है। देखो एक चीज और मैं बता दूं कि आप जितना ज्यादा एप्लीकेशन को, मतलब जितने ज्यादा एप्लीकेशन के कंपोनेंट को अलग अलग करोगे, जैसे छोटे छोटे कंपोनेंट और बहुत सारे बना लोगे एप्लीकेशन में, उतने ही आपकी एप्लीकेशन अच्छी रहेगी। क्यों और अच्छी रहेगी? क्योंकि इससे टेस्टिंग करोगे ना जब भी आप एप्लीकेशन, तो उसमें इजी होता है, क्योंकि अब मान लो कि आपने एक एप्लीकेशन बनाई, उसी में एक ही एप्लीकेशन में सारे कंपोनेंट डाल दिए, तो अब एरर किसी एक कंपोनेंट में आया, अब किसी एक कंपोनेंट में एरर आया तो तुमको ये पता नहीं चलेगा, जब आपकी एप्लीकेशन पूरी की पूरी बड़ी है, पूरी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि एरर कहाँ से जनरेट हुई। लेकिन अगर आप छोटे छोटे कंपोनेंट में अपनी एप्लीकेशन तोड़ लोगे तो उससे क्या होगा कि आपको टेस्टिंग करने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी, उससे मालूम पड़ जाएगा कि हमारे उससे मालूम पड़ जाएगा। एक बार बताओ, एक छोटा सा कोड है उसमें एरर आ रही है, तो उसे रिजोल्व करना ज्यादा आसान है कि एक बड़ा कोड है उसे रिजोल्व करना ज्यादा आसान है छोटे वाले को। इसीलिए एप्लीकेशन को छोटे छोटे कोड में तोड़ लेना, ठीक है। अब ये तुम्हें रखना आया कि कैसे हम अलग अलग कंपोनेंट्स को रखते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फुटर और हेडर नाम से दो मैंने क्लासेस बनाए, मतलब फाइल बनाई है अपने कंपोनेंट के लिए। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, RFC फंक्शनल कंपोनेंट को लेते हैं, पहले फंक्शनल कंपोनेंट की क्लास को रख के दिखाऊंगा, ठीक है ना।
और इसमें इसमें आईएमआरडी नहीं लगेगा, याद रखना इसमें आईएमआरडी नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आप डॉम के एलिमेंट को, सॉरी कंपोनेंट को, अपने रिएक्ट कंपोनेंट को डॉम में डालोगे और वो होगा आपका मेन कंपोनेंट, उसे ही डॉम में डाला जाएगा, बाकी किसी भी कंपोनेंट के लिए आईएमआरडी नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पर फुटर लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ फुटर कैपिटल में, और इसे ले देते हैं एच वन, हेलो फुटर वर्ल्ड, हेलो फुटर। ठीक है, ठीक है सर। आपने इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐसे लिखा है, आप इसे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फुटर। ठीक है, ठीक है, इसे कॉपी कर लो, इसे कॉपी करके हेडर में डाल दो, सेम ही तो है, हेडर यहाँ पर चेंज कर दो, लास्ट ये भी लास्ट चेंज कर दो, सेव कर लो फाइल, सेव ऑल, इसे इसमें डाल लेते हैं। अब अगर आपको इसे इसमें डालना है, ये फुटर और हेडर को आपको इंडेक्स डॉट जेएस लेना है, तो इसको क्या करना है, इसको डिलीट करो, आर एफ सी ही लिखो। ये किस फाइल में वर्क कर रहे हो, फुटर में या इंडेक्स डॉट जेएस में? दिख रही नहीं है क्या फाइल? जी सर, हाँ दिख रही है, दिख रही है। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ऐप को ही रहने देते हैं, बाकी इन सबको डिलीट मार देते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको कंपोनेंट उठाने हैं, कैसे उठाओगे, इम्पोर्ट कुछ भी नाम दे दो, आपको जो मन करे आप वो नाम दे दो, मैं फुटर ले लेता हूँ, जरूरी नहीं है आप यही नाम दो, यहाँ से आपने जो एक्सपोर्ट किया जरूरी नहीं है आप यही नाम दो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, पर आप फुटर को ही एक्सपोर्ट कर रहे हो और यहाँ पर आपको आसानी हो जाए एप्लीकेशन के कंपोनेंट में पहचानने के लिए कि हाँ आपके फुटर है और ये हेडर कहाँ पर लगा हुआ है, तो आप वही करना, फ्रॉम कंपोनेंट्स के अंदर जाओ, कंपोनेंट्स के अंदर ही बना हुआ है आपका और फुटर। अब यहाँ पर देखना ES6 में मैं क्या करता था, डॉट जे एस वगैरह सब लगाता था, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं लगा रहा डॉट जे एस, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, रिएक्ट का जो कंपाइलर होता है ना वो ऑटोमेटिकली जान जाता है कि हाँ इसके आगे एक्सटेंशन कौन सा लगेगा। ठीक है, फुटर हो गया। अब सर लगाओ या नहीं, मत लगाओ? हाँ हाँ, कोई सर, हाँ कोई लगाओ चाहे, नहीं 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 लगाना ही नहीं है। अच्छा अच्छा, अब देखो अगर जैसे कंपोनेंट को कराना है IMRC, ठीक है ना, IMRD होगा, नहीं ये IMRD, नहीं नहीं IMRD नहीं लगेगा, IMRD तो इसके लिए लगता है, वो मैंने करा लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हेडर करा लेते हैं, हेडर फ्रॉम फॉरवर्ड स्लैश कंपोनेंट, कंपोनेंट हेडर आ गई, सेमी कॉलन लगा दो, सबने लगाओ वैसे चाहे नहीं लगाओ, लेकिन अभी ये दोनों हाईलाइट होकर के नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये यूज नहीं हुए, जब तक ये यूज नहीं होंगे तब तक हाईलाइट होकर के नहीं आएंगे, तो यहाँ पर लगा दो हेडर और यहाँ पर लगा दिया फुटर। ठीक है, अभी फाइल को सेव कर लो, फाइल सेव ऑल, यहाँ पर चेक करो, टीम प्रेस करके हेडर और फुटर कंपोनेंट आपके आ गए, ठीक भैया जी सर। अब पता चला कि हम अलग फाइल से कैसे उठा करके लेकर के आते कंपोनेंट को, मैंने क्लास और मतलब मैंने फंक्शनल कंपोनेंट बनाए थे, लेकिन उन्होंने किसमें यूज कर लिया, क्लास कंपोनेंट। आप चाहो तो इसे फंक्शनल कंपोनेंट में भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये हटा देना चाहिए और जरूरी लिखना चाहिए फंक्शन ऐप, ठीक है, पैरेंथेसिस रेंडर मेथड हटा दो, ये हटा दो और ये आपका फंक्शनल ऐप कंपोनेंट पर रिफ्रेश करके देखो, आपका हेडर कंपोनेंट और फुटर कंपोनेंट रेंडर पर क्लियर हो गया सब कुछ? जी सर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर? तो आप क्लास कंपोनेंट के, क्लास कंपोनेंट के अंदर भी फंक्शनल कंपोनेंट को लगा सकते हो और फंक्शनल कंपोनेंट को आप क्लास कंपोनेंट के अंदर भी लगा सकते हो, मतलब दोनों को एक दूसरे के अंदर आप काम करवा सकते हो। सर आपने जो फुटर और हेडर जो बनाए थे वो तो क्या कहते हैं फंक्शनल कंपोनेंट बनाए थे ना उसके अंदर, हेडर और, हाँ तो क्या हो गया, मैंने यहाँ पर भी तो फंक्शनल बना लिया। मैं तो मैं रिकमेंड यही करूंगा, मैं रिकमेंड यही करूंगा, जो छोटी छोटी फंक्शनलिटीज है जहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो सकती है वहां पर हुक्स का और फंक्शनल कंपोनेंट का यूज करना, और जितना हो सके अपनी एप्लीकेशन में फंक्शनल कंपोनेंट का ही यूज करो।
क्योंकि तुम जैसे कहीं पर कोड देखोगे कहीं और, जैसे तुमने गिटहब वगैरह पे कोड देखा, जैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम आई कोड में और वही तुमने चीजें गिटहब वगैरह पे देखी, तो क्या है कि आप लोगों को ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब मोस्टली आप लोगों को वहां पे फंक्शनल कंपोनेंट ही मिलेंगे, क्लास बेस्ड कंपोनेंट कम ही लोग यूज कर सकते हैं। अब जैसे कंपोनेंट यहाँ पर इसका यूज नहीं है तो आप इसे भी हटा सकते हो, मैंने तुम्हें बताया था कि रियूजेबल वाला कोड कंसेप्ट बताया था, अरे बताया था कि नहीं बताया था, जी सर ये कंपोनेंट बना के बता ना, हाँ रियूजेबल कंपोनेंट का कंसेप्ट होता था। तो जैसे मान लो मेरे पास ये हेडर है, ठीक है ना, हेडर का है वो, ठीक है सर, मैं ले लेता हूँ पोस्ट, या फिर एक काम करते हैं यूआई कार्ड ले लेते हैं यूजर के, यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3, मतलब अलग अलग तरीके के कार्ड है, ठीक है ना, अलग अलग यूजर के। तो एक कार्ड बनाओ यूजर का, क्या कार्ड बनाना है, एक यूजर का, यूजर का जो फाइल थी मेन फाइल, हाँ इसमें जो आप ऊपर की चार अभी हेडर फुटर ऐड किए हैं, तो वही है जो हेडर है, जो एक तरह से जो पीछे का कोड आ रहा है ना वो एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा है ना, एक तरह से हेडर वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहा, यहाँ से आपने हेडर नाम दे दिया, एक मिनट, यहाँ से आपने इसे एक्सेस किया हेडर और यहाँ से आपने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर करा दिया, हेडर करा, हेडर से मालूम कैसे करा दिया। अब इस फाइल में ये कंपोनेंट, ये जो आपने एक्सेस किया ये किस तरह से जाना जाएगा वो यहाँ पर लिखना, जरूरी नहीं है कि आप ये हेडर ही लिखो, क्योंकि तो अगर मान लो कि ये कोड आपका यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा होता यही वाला, तो ये नाम तो यही जाना जाता ना इससे। अभी अगर मैं हेडर की जगह लिख दूं, हेडर की जगह लिख दूं साइड बार, मान लो साइड बार लिख दिया मैंने, और ये साइड बार को ही मैंने यूज कर लिया, तो ये कोड फिर भी चलेगा, ये कोड फिर भी चलेगा, मतलब इस फाइल में ये जो आपका कंपोनेंट है, ये जो आपने इम्पोर्ट करवाया है, ये किस नाम से जाना जाए उसके लिए ये वेरिएबल देते हैं, ठीक है सर। अब क्या करना है, जैसे यूजर है, मैंने आपको कहा था कि जो यूजर है आपको अलग, मान लो मेरे को चार यूजर बनाने हैं, कल चलो पहले उससे पहले हम जो हमारी चीज है उसे पढ़ते हैं, प्रॉप्स एंड स्टेट्स। अब प्रॉप्स और स्टेट का कंसेप्ट आता है, कंपोनेंट नीड डेटा टू वर्क विद, का हर एक कंपोनेंट को डायनेमिक बनाने के लिए हमें डेटा चाहिए होता है, चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है, जी सर, है ना। अब ये थोड़ी ना आप हेलो हेडर फुटर यही सब लिखते रहो, उसको डायनेमिक तो बनाना है। देयर आर टू डिफरेंट वेज दैट वी कैन कंबाइन कंपोनेंट्स एंड डेटा, आइदर एज प्रॉप्स और स्टेट। देखो दो अलग अलग तरीके के आपके अलग अलग तरीके के रास्ते कह सकते हो तुम, दो अलग अलग तरीके के पाथ हैं जिनकी मदद से आप रिएक्ट कंपोनेंट में डेटा पास कर सकते हो, पहला तरीका प्रॉप्स के थ्रू, दूसरा तरीका स्टेट के थ्रू। Props and state determine what a component render and how it behaves. Props और state की मदद से हम डेटा पास करते हैं और उसी की मदद से कंपोनेंट को रेंडर करते हैं और देखते हैं उसमें अलग अलग तरीके डेटा कैसे हम भेज सकते हैं। Props in React.js. The props is used as short for properties. Props को short end, मतलब जो props है उसे हम properties कह सकते हैं React.js object की, लेकिन short में, in short हम use करते हैं props. Props allow us to pass information from one component to another component. Props की मदद से हम एक component में दूसरे component में data pass कर सकते हैं, एक component से दूसरे component. Props can be accessed inside of functional component with this keyword and inside of class component. Props can be accessed inside of functional component with this keyword. ये मैंने गलत लिख रखा है, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हम दिस कीवर्ड के थ्रू नहीं, हम क्लास कंपोनेंट के अंदर दिस कीवर्ड के थ्रू एक्सेस करते हैं। Props cannot can be accessed without, बिना दिस कीवर्ड के अंदर हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हम props को यूज करते हैं और क्लास कंपोनेंट के अंदर हम दिस कीवर्ड को लगा करके props को यूज करते हैं। Props are immutable, read only, मतलब props आपकी चेंज नहीं होती, ठीक है ना, याद रखना props आपकी इम्यूटेबल होती है, रीड ओनली होती है, ये आपकी चेंज नहीं होती, ठीक है ना।
एक तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं रीड ओनली ऑब्जेक्ट एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड फ्रॉम इनसाइड द कंपोनेंट। आप कंपोनेंट के अंदर बाहर चाहे कहीं पर भी ले लो, प्रॉप्स को आप मॉडिफाई कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, ठीक है। प्रॉप्स इज सिमिलर टू फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन में जैसे हम आर्ग्यूमेंट भेजते थे ना ए बी सी के अंदर ए कॉमा बी करके, उसी तरीके से जी सर ये प्रॉप्स होती है। Props are passed to the component in the same way as argument passed in function. Props को हम उसी तरीके से पास करते हैं जैसे हम component हैं। जी सर। जैसे हम functions में argument पास करते हैं। हाँ, functions में argument पास करते हैं, उसी तरीके से हम props को पास कर सकते हैं। Props are passed from parent component down and cannot be changed. मैंने अभी कहा था props immutable होती है और से हम change नहीं कर सकते। What this means is that a parent component can pass on whatever data it wants to its children as props, but the child component cannot modify its props. देखो ये line इसमें ये कहा गया है कि parent component जो होता है वो तो props pass कर सकता है, लेकिन अब child component से parent में pass नहीं कर सकते। मैंने उस दिन बताया था ना कि दो तरीके के data flow होते हैं, एक bidirectional और unidirectional data flow। ये उसी का उसी से related point है यहाँ पर, लेकिन अभी मैं ये से नहीं इस पर ध्यान नहीं दूंगा। जब हम बाई डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो पढ़ेंगे रिएक्ट में कैसे काम होता है। रिएक्ट याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि रिएक्ट यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो को मतलब अलाउ करती है या बाई डायरेक्शनल डेटा फ्लो को अलाउ करती है, तो आपका आंसर होना चाहिए यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो। ये क्यों होता है ये मैं बता दूंगा। और एंगुलर जो होती है वो बाई डायरेक्शनल डेटा फ्लो को अलाउ करती है, ये याद रख लेना। ठीक है जी सर। बाई डायरेक्शन मतलब पेरेंट से आप ऊपर से नीचे तक भेज सकते हो, मतलब पेरेंट से आप डेटा चाइल्ड में भेज सकते हो, लेकिन चाइल्ड से ऊपर की तरफ नहीं भेज सकते। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही तरफ डेटा भेज सकते, पर इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। वी कैन एक्सेस प्रॉप इनसाइड अवर कंपोनेंट एज दिस डॉट प्रॉप। अगर हमें प्रॉप्स को एक्सेस करना है इनसाइड अवर कंपोनेंट, वैसे इनसाइड अवर क्लास कंपोनेंट, ऐप कंपोनेंट नहीं क्लास कंपोनेंट, क्लास के कंपोनेंट के अंदर अगर हमें प्रॉप्स को एक्सेस करना है तो हम दिस डॉट प्रॉप करके करेंगे, और अगर हमें फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज करना तो हम प्रॉप्स करके। ठीक है जी सर। प्रॉप्स क्या क्या होती है, कैसे होती है, मैं बता दूंगा अभी। एंड बाय दिस वी कैन यूज प्रॉप्स टू रेंडर डायनेमिक डेटा इन अवर कंपोनेंट रेंडर मेथड, और इसी की मदद से हम प्रॉप्स के थ्रू अपने कंपोनेंट के डेटा को डायनेमिक बना लेते हैं इस तरीके से बना करके। अभी कैसे करेंगे मैं बता दूंगा। अब मैं बताता हूँ प्रॉप्स को कैसे यूज करते हैं। सर ये थर्ड लाइन समझा दीजिए, थर्ड लाइन कौन सी, थर्ड ये वाली की, थर्ड लाइन ये वाली, ऊपर से थर्ड। जी सर। अभी मैं करके दिखाऊंगा ना तो अपने समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो तुम्हें अपने समझ में आ जाएगी। ठीक, अभी मैंने क्या बनाया था, फुटर कंपोनेंट हेडर कंपोनेंट। मैंने तुमसे क्या कहा कि मेरे को एक चार यूजर चाहिए और चारों के नाम अलग अलग। जी सर। ठीक है ना, चारों के नाम अलग अलग है लेकिन मुझे चार यूजर चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा, कैसे बनाऊंगा। मैं एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेता हूँ RFC। ठीक है, और हम इसमें से ये ऐसे ही रहने देते हैं, यूजर यूजर कंपोनेंट बना लिया। अब अगर इसमें प्रॉप्स बनानी है आपको, ठीक है ना, प्रॉप्स बनानी है, यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा दिस डॉट प्रॉप्स करके कर रहा हूं, और प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट होता है, मतलब डॉट आपका जो भी लग रहा है ये सब जावास्क्रिप्ट का पार्ट। और कभी भी आपको JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो सबसे पहले आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। कभी भी आपको JSX ही तो है, इसके अंदर अगर आपको जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस में देना पड़ेगा। हाँ, जैसे अभी मान लो कि एक डिव ले लेते हैं यहाँ पर, मैं तुम्हें अभी एक सिंपल एग्जांपल करके दिखाता हूँ। और डिव में मैंने लिख दिया 2+2, ठीक है ना, और इसे सेव किया, सेव किया, यहाँ पर देखते हैं, रिफ्रेश करेंगे, ये देख रहे हो 2+2 ऐसे ही प्रिंट होकर के आ गया। मैं चाहता हूँ ये कैलकुलेशन होकर क्या, तो ये तो जावास्क्रिप्ट है ना, प्लस करके लगा रहे हैं, तो इसे कर्ली ब्रेसेस में लगाओ, सेव करो, आ गया 4। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट लगानी है तो कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा, आपको टर्नरी ऑपरेटर लगाना तो अभी कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। अब चलो इसे करते हैं, अब आपका डेव आ गया ये। ठीक है, इसमें से मैंने क्या बताया था कि फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर अगर आपको प्रॉप्स बनानी है, मतलब एक्सेस करनी है, ठीक है ना, क्या करनी है, एक्सेस फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, तो आप सबसे पहले लिखो प्रॉप्स।
और फिर उस प्रॉप्ट का नाम डॉट लगा करके, ठीक है ना, डॉट लगा करके, ठीक। तो मान लो कि यूजर कंपोनेंट है, उसके साथ मैं एक प्रॉप बनाऊंगा जिसका नाम, मैं नेम नाम से एक प्रॉप बनाऊंगा। जैसे आप एट्रीब्यूट देते हैं ना, क्लास, स्टाइल, अलग अलग तरीके की, ठीक है ना जी सर, क्लास हो गई, स्टाइल हो गए, आप एट्रीब्यूट लेते थे, या फिर आईडी हो गया, वो भी एक एट्रीब्यूट होता था। तो यहाँ पर अब प्रॉप्स के बाद जो मैं लिखूंगा वो मेरी एक प्रॉपर्टी होगी इसी की तरह, जैसे मैंने लिख दिया नेम। अभी टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल अभी देखो, बस प्रॉप्स डॉट नेम लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद इंडेक्स के अंदर हम गए, हमने ये सारी चीजें हटा दी, हमें यूजर को जो करना है, यूजर को तो करना है इम्पोर्ट यूजर, प्रॉप आर्गुमेंट में पास नहीं करेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ ना, रुक जाओ। कंपोनेंट यूजर ये ले लिया मैंने, अब क्या करो, इसे हटा दो सबको, यूजर लिखा, ठीक है। अभी फाइल को सेव करो, मैंने सेव कर लिया, अभी देखना क्या हो रहा है। अभी आपको कुछ भी नहीं आया यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ एरर आ रही है, एलिमेंट टाइप इज इनवैलिड, एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग वगैरह 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 वगैरह, यही सब आ रहा फालतू जी सर, ठीक है ना। तो मुझे, मैंने यहाँ पर क्या किया था, प्रॉप्स डॉट नेम बनाया, ठीक है ना जी सर। जब मैं, और ये क्या है, ये मेरी प्रॉप्स है, मतलब ये एक तरीके की मेरी प्रॉपर्टी है जो कि इस कंपोनेंट के साथ अटैच। अब इस कंपोनेंट में, मतलब इस प्रॉपर्टी में अगर मेरे को वैल्यू पास करनी है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नेम, लिखा अमन, ठीक है। अभी सेव करते हैं, अच्छा हाँ सुनो, तो आपको प्रॉप्स जब आप एक्सेस करोगे ना, तो यहाँ पर आपको प्रॉप्स पास करनी पड़ेगी। प्रॉप्स पास भी तो मैंने क्या कहा था, फंक्शनल, जैसे आप फंक्शन कंपोनेंट बनाते हो तो उसके अंदर प्रॉप्स को उसी तरीके से पास किया जाता है जैसे आप फंक्शन में आर्गुमेंट पास, वो सॉरी पैरामीटर पास करते थे, ठीक है ना। ठीक, आ गया अमन, अब यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ पहले, तो दिक्कत किसी को दोनों में से? नहीं सर, नहीं है। नो सर, सर सपोज बाय चांस अगर यूजर नेम इज इक्वल टू अमन और मिडिल नेम इज इक्वल टू कुमार श्रीवास्तव, ऐसा पूरा नाम डालना, तीन आदमी, अभी रुक जाओ, सब सब चीजें आएगी, सब चीज आएगी। मैंने तुम्हें सबसे पहले कांसेप्ट सिखाना है रियूजेबल कंपोनेंट का। अब मैंने एक मैंने ये बनाया कंपोनेंट, मैंने क्या कहा था कि वो कंपोनेंट दिखने में एक ही जैसा होगा लेकिन उसमें डेटा चेंज हो रहा होगा, लेकिन ये कंपोनेंट है एक ही जैसा ही, यूजर ही तो कंपोनेंट यूज करना है, अमन यूज करना है, विशाल यूज करना है, रोहित मेरा नाम है मेरे को यूज करना है, और भी बहुत सारे लोग हैं उन सबको यूज करना है। तो यहाँ पर वो हेलो करके प्रिंट होते चले जाए, तो इसके लिए पता क्या करेंगे, एक ये कंपोनेंट यूजर बना लिया, अभी इसी कंपोनेंट को पेस्ट कर, ठीक है। और यहाँ पर लिखा रोहित विशाल, रोहित राहुल, ठीक है, सेव कर लो। आ गया जी सर, आपने एक कंपोनेंट को लिया और उसी कंपोनेंट से आपने अलग अलग तरीके डेटा को डायनेमिक बनाया, ठीक ठीक प्रॉपर्टीज की गलती है। अभी समझ में आया रियूजेबल कंपोनेंट क्या होता है, हैं? ठीक है जी सर, अच्छे से जी सर, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से हम प्रॉप्स को डिक्लेयर करते हैं, और ये नेम है नाम से आपका, और यहाँ पर आपने प्रॉप्स में अगर हमें कोई वैल्यू वैल्यू देनी हो तो हमें उसमें देना पड़ेगा, यहाँ पर, यहाँ पर प्रॉप्स डिक्लेयर करनी पड़ेगी, मतलब जब आपको प्रॉप्स कंपोनेंट के अंदर एक्सेस की जाएगी, लेकिन आपको उसमें से डेटा आप जब उस कंपोनेंट को एक्सेस करोगे, कंपोनेंट को एक्सेस करोगे, तब आपको उसके साथ प्रॉप्स पास करना, क्लियर? ठीक ठीक सर, ठीक है। ये होता है रियूजेबल कंपोनेंट का कंसेप्ट, समझ में आया? अब अभी तक हमने किसमें, अभी तक हमने किसमें किया, फंक्शनल कंपोनेंट, जी जी फंक्शनल कंपोनेंट में किया। अब क्लास कंपोनेंट में यूज करके देखा, ठीक है ना, क्लास कंपोनेंट में आर सी, ठीक है, यहाँ पर ले लिया यूजर, यूजर, ठीक है। और इस यूजर के अंदर हमने, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर H1 लिख, और इसमें लिख दिया हेलो
मैंने क्या कहा था कि क्लास कंपोनेंट के अंदर आप प्रॉप्स को कैसे एक्सेस करोगे, प्रॉप्स डॉट दिस डॉट प्रॉप्स, दिस के हाँ दिस डॉट प्रॉप्स, ठीक है ओके ठीक। यहाँ पर क्या करते हैं, यूजर नाम से हमने कंपोनेंट यूजर से पास करा लिया और वही हमारे पास यहाँ आ गया। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, इसी में करा दूं क्या चाइल्ड क्लास कंपोनेंट बनाओ, बताओ क्लास बना दूं, क्लास बना दे चलो। That's for default. और क्या किया हमने यहाँ पर, यूजर नाम से जो कंपोनेंट बना था उसे लिख दिया। अब इसमें नेम अमन पास कर दिया, सेव किया फाइल, सेव ऑल, यहाँ पर चेक करते हैं, रिफ्रेश करो, हेलो अमन आ गया जी सर, क्लियर आ गया सर, आ गया समझ। इस तरीके से आप this dot prop dot name करके इसमें बनाते हो, और आप चाहो तो इससे और भी सारे कंपोनेंट बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर एरर आ रही है ना चाइल्ड कंपोनेंट में, काम करो इसे फ्रैगमेंट करो। ये फ्रैगमेंट लगाना जरूरी है या नहीं लगाना तो भी आउटपुट आ रहा है? तो फ्रैगमेंट क्यों नहीं लगाना जरूरी है, इसीलिए तो फंक्शनल कंपोनेंट यूज किए जाते हैं कि उसमें रेंडर मेथड नहीं होता है। ओके ठीक है ना, मैंने देखा होगा, ठीक है सर। अमन क्लास कंपोनेंट में बेस भी लगाना पड़ेगा, प्रॉप्स भी लगाना पड़ेगा, विशाल क्या, हाँ बेस भी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, मैंने सेव कर दिया से, यहाँ पर देखते हैं आ गया क्लियर जी सर। क्लास कंपोनेंट में प्रॉप्स को इसी तरीके से एक्सेस करते हैं, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट कम प्रॉपर्टी का आपके नाम, ठीक है, क्योंकि इसमें दिस की बाइंडिंग सेट नहीं होती है, दिस को आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, फंक्शनल कंपोनेंट में ऑलरेडी होता है आपको, आप मतलब फंक्शनल कंपोनेंट में आप प्रॉप्स को बिना दिस के एक्सेस करते हो, लेकिन अगर आप एरो फंक्शन के थ्रू बाकी और कुछ काम करोगे ना, जब इवेंट हैंडलिंग आएगी तो आपको दिस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना जी सर। इवेंट हैंडलिंग जब आप करते हो रिएक्ट में तो आपको दिस लगाना पड़ता है फंक्शनल कंपोनेंट को एक्सेस करने के लिए वो बाद का बात है, अभी उसके ऊपर मत उलझो, अभी पहले आगे काम। तो यहां तक क्लियर जी सर। अब आती है स्टेट्स, स्टेट्स क्या होती है रिएक्ट जेएस, रिएक्ट जेएस कंपोनेंट कैन हैव स्टेट वेयर वी कैन पुट अवर डेटा एंड यूज इट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट। रिएक्ट जेएस कंपोनेंट के अंदर हमारी स्टेट होती है जिसके अंदर हम अपना डेटा रखते हैं, और उसे हम रिएक्ट के कंपोनेंट में जब तक वो क्रिएट होता है, जब से लेकर के डिस्ट्रॉय या फिर खत्म नहीं हो जाता, जब तक हम उस स्टेट के साथ काम करते हैं। स्टेट आर सिमिलर टू प्रॉप्स बट इट इज प्राइवेट एंड फुल्ली कंट्रोल बाय द कंपोनेंट। स्टेट जो होती है, ठीक है ना, स्टेट क्या होती है जी सर, वो डायनेमिक होती, स्टेट जो होती है वो प्रॉप्स की तरह ही होती है, पर वो डायनेमिक होती है, मतलब उन्हें हम चेंज कर सकते, पहली चीज। दूसरी बात, जिस कंपोनेंट के अंदर स्टेट बनेगी वो उसी कंपोनेंट के अंदर एक्सेसिबल होगी, उससे बाहर एक्सेसिबल नहीं होगी। दूसरे तरीके हैं जिनसे हम एक्सेसिबल बना सकते हैं, लेकिन अभी तुम बिगिनर, एज अ बिगिनर ये याद रखो कि एक कंपोनेंट के अंदर की स्टेट उस कंपोनेंट के अंदर ही रहेगी, बाहर एक्सेस नहीं होगी, ठीक है। स्टेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज ओन्ड बाय द कंपोनेंट वेयर इट इज डिक्लेयर्ड। मैंने कहा था कि स्टेट जो होती है वो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर ही एक्सेस होती है जहां पर वो बनाई जाती है। इट्स स्कोप इज लिमिटेड टू द करंट कंपोनेंट, ठीक है ना। स्टेट इज यूज फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन इन साइड अ कंपोनेंट एंड वी कैन क्रिएट स्टेट ओनली इन क्लास कंपोनेंट। स्टेट जो होती है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, जैसे मैंने एक कंपोनेंट बनाया, उसमें एक कंपोनेंट, उसी के अंदर दो तीन कंपोनेंट बनाते हैं, उसमें से एक कंपोनेंट से अंदर दूसरे कंपोनेंट डेटा पास करना, तो हम स्टेट्स को यूज कर लेंगे, ठीक है जी सर। स्टेट्स आर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स
कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर इनसाइड ऑफ कंपोनेंट. आप स्टेट को अपने उस कंपोनेंट के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकते हो. बाय डिफॉल्ट अ रिएक्ट कंपोनेंट हैज नो स्टेट, सो वी नीड टू डिफाइन द कंपोनेंट टू इनिशियल स्टेट, एंड इन ऑर्डर टू डिफाइन इनिशियल स्टेट वी मस्ट ऐड अ क्लास कंस्ट्रक्टर दैट असाइन द इनिशियल स्टेट यूजिंग दिस डॉट स्टेट. आपके रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर बाय डिफॉल्ट कोई भी स्टेट नहीं हो सकती है, लेकिन आप एक कंस्ट्रक्टर को असाइन करके उसके अंदर स्टेट बना सकते हो, या फिर आप बिना कंस्ट्रक्टर के भी स्टेट बना सकते हो. ठीक है, बिना कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैं बता दूंगा कि कैसे बनाते हैं स्टेट. ठीक है, टू अपडेट द डेटा इन द स्टेट रिएक्ट प्रोवाइड्स मेथड कॉल्ड सेट स्टेट. अगर हमें स्टेट के डेटा को अपडेट करना है, देन हम सेट स्टेट नाम से एक मेथड होता है उसे यूज करते हैं. ठीक है जी सर. अब पहले मैं बताता हूँ स्टेट बनाते कैसे हैं. ठीक है जी, जैसे सर. मेरा ये एक ऐप कंपोनेंट है. ठीक है जी सर. अब इस ऐप कंपोनेंट के अंदर मैं एक बना लेता हूँ भाई. जो आपकी स्टेट बनेगी वो इसी कंपोनेंट के अंदर तो विजिबल होगी जी सर, है ना. अब जैसे स्टेट बनानी है इस कंपोनेंट के अंदर, पहले फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर स्टेट होती नहीं है. आपको स्टेट बनानी तो आप रेंडर मेथड के बाहर ही स्टेट बनाओगे. ठीक या नेम मैंने ये लिख दिया स्टेट. ठीक है जी सर, ये हमारी स्टेट बन गई. अब इसे एक्सेस करना है इसके अंदर जी सर. ठीक है, तो लिखेंगे हेलो. जिस तरह से आप प्रॉप्स को एक्सेस करते हो उसी तरीके से आप स्टेट को एक्सेस करोगे. दिस डॉट 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 नेम. ठीक है, अभी सेव करते हैं और इसे रेंडर करके देखते हैं कि क्या आ रहा है. हेलो रोहित, आ गया जी सर. ठीक है, अभी आपको कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनानी है. ठीक है जी सर, कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनानी. तो वो कैसे बनेगी तो कट कर लेते हैं. मैंने क्या कहा था कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू और बिना कंस्ट्रक्टर के दोनों तरीके से आप बना सकते हो. देखो कंस्ट्रक्टर जैसे आप वैसे बाहर स्टेट बना रहे हो तो आपको देश लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्टर लगा रहे हो क्लास के अंदर तो आपको दिस डॉट स्टेट करके ही स्टेट बनानी पड़ेगी और एक्सेस इसी तरीके से करनी पड़ेगी. सेव करते हैं. प्रॉप्स का क्या यूज हो रहा है इसमें बोला क्या? प्रॉप्स तो यूज ही नहीं हो रहा. प्रॉप्स का मतलब तो प्रॉप्स के अंदर जो प्रॉप्स आया है. अच्छा, ये यूज नहीं हो रहा. अरे हटा दो, अगर प्रॉप्स पास करनी है. देखो एक बार बताओ, इस स्टेट के अंदर किसी दूसरे कंपोनेंट में से डेटा ला करके पास कर, किसी दूसरे कंपोनेंट में से डेटा ला करके पास करना है आपको, तब तो प्रॉप यूज होगी. इसलिए प्रॉप्स लगाई जाती है, ठीक है ना. क्योंकि सुपर क्या करता है, सुपर पेरेंट क्लास की जितने भी प्रॉपर्टीज होती है वो चाइल्ड क्लास में ले आता है. ठीक है ना जी सर. ले आता है कि नहीं ले आता है? पेरेंट क्लास वो चाइल्ड में ले आता है. तो इसलिए प्रॉप्स लगा करके हम यहाँ पर एक्सेस करके यहाँ पर प्रॉप्स पास कर सकते थे. लेकिन अभी वो चीज अभी उनसे दूर रहो. अभी सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखो कि प्रॉप्स कैसे बनाते हैं, स्टेट कैसे बनाते हैं. ठीक है, होप आपको चीजें समझ आई होंगी. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php. हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू.